please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप कहते हैं मैं ज़्यादा अखबारों से बात नहीं करता हूँ इसलिए आपके बारे में ज़्यादा छपता नहीं है, लेकिन जो कुछ छपा हुआ है उसमें एक बात ये भी छपी है कि छात्र जीवन में आप क्लास बंक करके शाखा में चले जाते थे। मैंने क्लास बंद करके मैं शाखा पर नहीं जाता था, क्लास ओवर होने के बाद मैं शाखा पर जाता था। जो छात्र हैं देश वैसे पढ़ने में मैं कमजोर नहीं रहा हूँ। आप पढ़ाने में भी कमजोर नहीं रहे? पढ़ाने में भी मैं कमजोर नहीं था, हमारे क्लास में अच्छी भीड़ होती थी। जो आजकल छात्र हैं और उनके बारे में बहुत कुछ आ जाता है, मैं आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से पूछना चाहता हूं कि जेएनयू क्या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉब्लम है? अब जेएनयू एक यूनिवर्सिटी है तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई संस्था हो, केवल यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता, कोई भी संस्था हो, यदि कहीं पर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका मिसयूज करना चाहती है अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, तो हम लोगों की यह कोशिश होगी कि उसे चेक किया जाना चाहिए, रोकना चाहिए। यूनिवर्सिटीज को अथवा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को कभी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं, रोकना चाहिए। हर पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी बनती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की भी यह जिम्मेदारी बनती है। तो क्या ये जो छात्र यूनियन दलों से जुड़े हुए होते हैं वो नहीं होने चाहिए? छात्र यूनियन दलों से नहीं, छात्र यूनियन होने चाहिए। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप हमारे देश के नौजवानों में भी डेवलप करनी चाहिए, वह एक उसका तरीका है। अब शासन में हम लोग भी रहे हैं, हम लोगों ने भी काम किया है और मैं समझता हूं कि वहीं से निकलकर हम यहां आए। तो अब ये बताइए, वहां से निकल कर आए हैं तो हम कोई न्यूसेंस तो है नहीं? क्यों, मैं न्यूसेंस तो हूं नहीं पॉलिटिक्स। सीखा है वहीं से ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, डेडिकेशन, कुछ ऐसे ही जो छोटे छोटे फोरम्स होते हैं उन्हीं से डेवलप करती है। उस वक्त शायद आपने अपने छात्र जीवन में या तो नकल को ऐसा देखा या बाद में नकल को ऐसा देखा कि नकल के लिए एक कानून बना दिया था जो लागू नहीं हुआ? नहीं लागू हुआ, नहीं लागू हुआ। ऐसा था कि मैं क्लास 8 में जब मैं पढ़ता था तो हमारे ही खानदान, माने खानदान का मतलब समझते होंगे लोग, परिवार में एक साल हमसे आयु में बड़े थे, एक लड़का हमारे साथ, वो बैठते थे एग्जाम देने के लिए, ये 8th क्लास की बात मुझे याद है। तो उस वक्त कलर बॉक्स होता था, कलर बॉक्स का मतलब समझते होंगे आप लोग, पेंटिंग वेंटिंग जो होती है, तो उसमें लिख कर बहुत छोटे छोटे अक्षरों में वो लाता था, तो उसके बगल में मैं बैठता था, तब मैं देखता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। उस समय यह ईश्वर की मैं कृपा मानूंगा कि मेरे मन में विचार पैदा हुआ कि इस देश का मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, इस प्रदेश का यदि मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन गया तो मैं किसी को नकल करने की इजाजत नहीं दूंगा। क्लास 8 में जब मैं पढ़ता था, ईश्वर को मंजूर हुआ, मैं उत्तर प्रदेश में एजुकेशन मिनिस्टर 91 में बन गया। और आज वो मिस्टर करनैल सिंह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे आज भी मौजूद हैं, आप उनसे पूछिएगा। मैंने कहा कठोर कानून बनाइए, किसी भी सूरत में मैं नकल करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। तो कठोर कानून बन गया। फिर वो मुझसे कहने आया कि सर इसमें बात कर लीजिए, पार्टी का बहुत नुकसान होगा, करोड़ बच्चे बैठते हैं, करोड़ों सब परिवार है, सब मिलाकर पार्टी बैठ जाएगी, लोग आपको कोसेंगे। तो मैंने कहा कि हमको यही पाठ पढ़ाया है संघ ने कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। इसलिए आप चिंता मत करिए, जो कानून है उस कानून को बनाइए। कानून कठोर था, उसमें बच्चों को भी जेल में डालने की व्यवस्था थी, इसमें कहीं दो राय नहीं, बहुत कठोर था। और जो रिजल्ट 65%, 70%, 74% आता था, जिसमें मैं शिक्षा मंत्री था, 14% आया, 14% आया। यह शिक्षा का खोखलापन था। बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इसी आधार पर चुनाव जीता कि हमारी सरकार यदि बनेगी तो जिस दिन बनेगी उसी दिन नकल विरोधी कानून समाप्त कर देंगे, और उसी दिन नकल विरोधी कानून समाप्त कर दिया। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं असेंबली का चुनाव नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद मैं हार गया। वही वजह मानते हैं आप? वही वजह मानते हैं आप? अब जो भी हो, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने पसंद नहीं किया होगा, इसीलिए हार गए। लेकिन आज भी मैं मानता हूं, चाहे कितने भी कठोर कदम देश को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए क्यों न उठाने पड़े, उठाना चाहिए।